खबर ग्वालियर से है, जो 115 साल पुराना ग्वालियर ट्रेड फेयर मेले को 2 वर्ष बाद चालू करने की घोषणा 14 नवंबर को की गई थी, लेकिन आज तक मेले में कोई व्यवस्थाएं होती नजर नहीं आ रही हैं। पूरे मामले को लेकर मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव से बात की गई तो मेला सचिव ने कहा कि मेले की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, वहीं आज यानी 3 दिसंबर को दोपहर 1 बजे टेंडर खोला जाना है। अब सवाल ये उठता है कि मेला अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ये उदासीनता के कारण ना तो मेला बोर्ड का गठन हुआ और ना ही ठेकेदारों को 2020 और 21 का बकाया 60 लाख रुपए दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में 25 दिसंबर से मेले का शुभारंभ क्या एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। सीसीटीवी कैमरे का काम करता हूँ मैं। इस सीसीटीवी कैमरा मतलब क्या दुकान है? नहीं, रेन रेन पे किराए पे लगाते हैं कैमरे। किसके मतलब के किस प्रक्रिया के द्वारा लगाते हैं? जी, मेला प्राधिकरण लगवाता है, इसके टेंडर निकलते हैं, टेंडर डालते हैं, जिसका कम होता है उसी को टेंडर मिलता है। तो आप कितने साल से लगा रहे हो? बहुत साल हो गए, 10-15 साल हो होंगे कमरे लगाते लगाते। तो इस साल भी आपने टेंडर भरा है? टेंडर डाला है। फिर क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, 2020 में हमने 2020-21 में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, उसका हमारा भुगतान है, अभी तक हमें भुगतान नहीं मिला। हमने अभी हम 4.25 लाख का टेंडर था, हमने करीब 19 टेंडर जो जारी किए थे, वो कल 3 तारीख को 1 बजे से उनके खुलने की कार्रवाई होगी। ये सब ऑनलाइन टेंडर हैं, कमेटी के समक्ष ये टेंडर खोले जाएंगे। तो सर, जैसा कि जो पिछली बार के जो आपने टेंडर थे, कोरोना महामारी का पेमेंट नहीं हुआ था, कितना का पेमेंट है और किन किन का पेमेंट है, कितना का पेमेंट है? हाँ, वो जो पिछली बार हमारा मेला लगा था, वो हमारा कुछ व्यापारी हैं जिनको कि हमें पेमेंट करना है, इसमें बिजली के हैं, टीन वाले हैं, सीसीटीवी के हैं, सफाई वाले हैं, वो उन लोगों के पेमेंट अभी हमको करना थे, वो चूँकि उसके बाद से बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई थी।